पीनट का अदरकों का पंचा है। तो राधे राधे, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग अपने घरों में सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज है 15 अक्टूबर और मैं उठ चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग। सिर्फ 15 अक्टूबर को ही उठी है तुम? करंट तो देना हूँ मैं। मतलब कहने का मतलब ये था कि रात को जैसे मैं बोल के सोई थी कि मैं आज लेट उठूंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लेट नहीं तो 10 बजे और क्या होता है लेट, उसके बीच में भी मैं 10 बार उठी हूँ। आपको पता है गाइस, मेरे दादू का सुबह 5 बजे फोन आ गया, उन्हें शानू की याद आ रही थी और मैं डर गई। वो मुझे फोन, हाँ शानू बेटा, अरे वो सेठी निकल गया क्या बड़े बाप का नाम लेके? कहा हैं? मैं कहा अभी कहाँ बाबा, अभी तो निकलेंगे, अभी तो 5 बज रहे। कह रहे हैं 5 बज रहे? अरे मुझे तो लगा 8-9 बज रहे। यहाँ बेटा अंदर कुछ दिखता नहीं, कुछ समझ नहीं आता, कुछ नहीं चांदनी कुछ। मैंने कहा बाबा अंदर अंदर है ना तो पता नहीं चलता होगा कि क्या टाइम वगैरह हो रहा है। कह रहे हाँ अभी तो। मैंने कहा 5 बजे अभी कहाँ से? मैंने कहा अभी आप सो जाओ, फिर बड़े पापा आएंगे तो थोड़ा बहुत सामान बिगड़ा था वो भिजवा दूंगी मैं आपका। फिर फोन आया उनका 8 बजे करीब, कह रहे निकल गया सेठी। मैंने कहा हाँ निकल रहे हैं बस। कह रहे कि ये सामान भिजवा दिया, मुझे सारा सामान चाहिए। मैंने कहा हाँ मैं भिजवा दूंगी। 4-5 बार फोन आया उसका, मेरी नींद बीच में डिस्टर्ब हुई। फिर कुछ पेंटर का काम, वो पेंट वगैरह और खट्टे करने थे, मतलब ख़त्म हो गया था और मंगवाना वगैरह था। तो अभी फाइनली दुख के बाद मैं उठ चुकी हूँ। गाइस अब बस शुरू करते हैं काम वगैरह, नहाते धोते, क्योंकि आज हमारे नींद आ रही मुझे फिर भी, क्योंकि आज हमारे मंदिर पे मेला। नील तो गया है स्कूल, मम्मी और मैं जाएंगे, जोत लगा के आएंगे और भंडारा खा के आएंगे। जब नीलू आएगा तो फिर मैं उसको घुमाने ले जाऊंगी। ठीक है तो शुरू करते हैं। गाइस मैं हो चुकी रेडी, हम लोग जा रहे हैं मंदिर पे जोत लगाने के लिए। ये मैंने पहना है, जो मुझे पहनना था उस पर ना धुला हुआ रखा था, पता नहीं क्या ऐसे क्या उस पर वाइट वाइट स्पॉट्स आ रखे थे, आई थिंक मशीन का ही कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो ये मैंने पर्पल वाला पहन लिया है, अभी चलते हैं जोत लगाते हैं। बस हम जोत लगा के अभी आ जाएंगे, घूमेंगे वगैरह कहीं। जब नीलू और पहल स्कूल से आ जाएंगे फिर हम वापस से जाएंगे, नीलू हर को लेके, नीलू और पहल को लेके फिर चलेंगे। तो चलते हैं, लेट हो गया जोत लगाने में आज। गाइस निकल गए हम लोग मंदिर के लिए, हमें मंदिर के रोड पर ही ऑटो मिल गया लकीली। हेलो, आई थिंक जाम लग रखा होगा गाइस अंदर, तो हम लेट आए ना और स्कूल टाइमिंग हो गया। वैसे वन आपने सीधा जाना है, बिल्कुल 30 या 40 होता है, आपने सीधा जाना है। छुट्टियां तो नहीं, हम तो भगवान चक्कर मार कर तो इतना जाम था कि ऑटो वाले ने हमें वही थोड़ा सा आगे चला और उतार दे, कह रहे मैडम आप जाओ, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत जाम हो रहा है, हमें तो सवारी भी नहीं मिलेगी इतनी जल्दी। हमने कहा मिल जाएगी, बहुत सवारी मिलेगी अंदर, कह रहे टाइम तो बहुत लग जाएगा मैडम। बेइज्जती कर दिया हमें बीच बाजार उतार के पागल ले, बहुत ज़्यादा जाम लग रखा है। देखो क्रॉसिंग का भी एक ही जगह से कर रखा है। ये इतने लोग पुलिस वाले के बीच में कर, सॉरी कौन था ये इतना? मम्मी ये पकड़ो आप, एक दो पहले मम्मा ये पकड़ो, ऐसा पकड़ लो, बोलती तो मैं रहूँगी अपने आप। देखो गाइस कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे भंडारे की। इधर ये शायद से लाडो सराय वाला लगता है इस साइड। बाहर में तो हमेशा छोले चावल ही होते हैं, अंदर होता है पूरी सब्जी हलवा। कौन है?
कौन था? कुर्ते मिल रहे? कौन था? उसकी मम्मी। अरे जो भजन गाती है। यहाँ से ले लेते फूल माला और यहाँ से लेंगे प्रसाद, ठीक है? गाइस ये ले रहे हैं लड्डू हम लोग, बट ना डब्बा खत्म हो गया आधा किलो का, तो पॉलिथीन में देख रहे हैं। लग गई जो यहीं से बना रहा उनका तो जगह नहीं आई थी। लगा ली बड़ी मम्मी ने जोत प्रसाद चढ़वा दिया। हाँ मैंने दे दिया प्रसाद। प्रसाद ले ले फिर तुझे बोला तू मुझे इतना लगा नहीं बत्ती किसी भी दिए में लगा दे। नहीं चल रही है Thank you.
जितने भी फोटो लगे हुए सब हमारे मंदिर के गुरु रह चुके हैं। पहले नहीं बोला आपकी शादी के लिए। ये माइक ठीक है वाला? हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पड़ा था 3500 का? 3500 का। इसमें दो आए थे, दो आए थे और एक ये अडप्टर टाइप आया था। हाँ सिंगल भी आता है बट डबल वाला बहुत अच्छा रहता है क्योंकि वाला ज्यादा अच्छा। हाँ कन्वर्सेशन, हाँ कन्वर्सेशन चाहिए। हेलो गाइस, ये मोहित के भैया है और ये मोहित की भाभी है। गाइस आज हम बहुत लेट आए, भंडारा सब शट हो चुका है। पानी मम्मी, बट मम्मी पानी लेना है, ले ले। थैंक यू। आज हम लेट हो गए, आज मम्मी को भंडारा। मम्मी आप कैसा फील कर रहे हैं, आप मुझे बताना चाहेंगे एक बार कि आपको भंडारा नहीं मिला लाइफ में पहली बार? मैं आज बहुत ही गंदा फील कर रहा हूं, पता है मेरे को, तूने लेट करा। रहने दो, बड़ी मम्मी बार बार खो जाती है। गाइस मम्मी कह रही है आज मेला मेरा अच्छा नहीं है क्योंकि इन्हें भंडारा नहीं मिला ना, इसीलिए ये यहाँ पे शॉपिंग चल रही है। ये रबर बैंड क्लचर। गाइस यहाँ पे मिला भंडारा, यहाँ देखेंगे, देखते हैं यहाँ मिल तो जाएगा बहुत। मैं नहीं खा रही। गाइस हम लाइन में लग गए, बहुत लंबी लाइन है आज। बड़ी मम्मी कहाँ है? बोरी आगे। बड़ी मम्मी बीच में घुसने वाली है क्या? गाइस आज तो बड़ी बुरी बीती है। दही प्रसाद लेके आए थे मेरे ऊपर, मम्मी की चुन्नी के ऊपर, मम्मी की चुन्नी के ऊपर सब्जी और मेरे ऊपर ये दही। और भंडारा अंदर मिला भी नहीं, बाहर मिला। पर खा के आई गाइस, मैंने देखो मन में चाह थी ना तो रहा अपने आप से। मम्मी ने खाया, मैंने एक पूरी खाया। अभी नीलू आ रहा है, और नीलू के लिए भी ले आए वैसे हम। नीलू आ रहा है, नीलू को भी मेला लेके चलेंगे। पहल के फोन पे फोन आ रहे हैं, नीलू भैया आ जाए जल्दी से रेडी करना, मैं आप लोगों के साथ ही जाऊंगी। पहले ही मैंने बोल दिया था कि जोत लगाएंगे मम्मी और मैं, फिर हम सब साथ चलेंगे। तो पहल का फोन पे फोन आए जा रहा है, नीलू भैया आ गए क्या, जल्दी आ जाए तो रेडी करना साथ चलेंगे। मैं इसको धोल, अब तो मैं जीन टी शर्ट पहन के जाऊंगी। ये घघरी पहना के ले गई मुझे, घघरा करना था वहाँ पे ऐसे ऐसे करके। गाइस अब हमारे सारे काम हो चुके हैं, जैसे ये मेला था और भी थे, पेंटिंग का भी था, ये भी था, सब हो चुका है। अब हम थोड़ा अपने घर पे ध्यान देंगे क्योंकि घर अभी पूरा सेट नहीं हुआ है, फैला पड़ा है कहीं कुछ। और कपड़े तो इतने हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। अब तो 3 बज गए हैं, धोते धोते मुझे बच जाएंगे 6-7 तो बज जाएंगे। तो आज तो नहीं पॉसिबल है, कल लगाऊंगी मशीन। आज पेंट का भी सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो चलो और आपको दिखाती है आपकी व्लॉगर फाल्गुनी क्या क्या करती है मेले में जाके। गाइस नीलू आ गया है स्कूल से, अब मैं ले जा रही हूँ इसको मंदिर पे घुमाने के लिए। नीलू अच्छा खुले हैं मेरे पास, पहल को मैंने पहले भेज दिया है, वो फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी ना
ये नीलू भैया के साथ ही जाऊँगी। मैंने कहा तू चल इतने, मैंने मासी को बोला मासी आप चलो इतने जोत वोत लगाओ, इतने मैं आ रही हूँ नीलू को लेके। कितनी धूप है भाई साहब, हालत ख़राब हो गई हमारी तो आज। गर्मी तो नहीं है? नहीं गर्मी लग नहीं रही बट धूप तो है तेज। पहुँच गए जी हम, भीड़ तो नहीं लग रही मेरे को अब इतनी, वही सुबह ही अब कान के नीचे। अंकल कह रहे अब कान के नीचे लगेगा। कितना अच्छा पाउडर उड़ रहा है ना। मासी को फ़ोन किया था, मासी है मंदिर में भी तो हम लोग यहाँ शॉर्टकट है ना एक रास्ता, यहाँ कुश्ती जो होती है यहाँ पे, यहाँ से अंदर चले जाएंगे हम लोग, यहाँ से भी है सीढ़ी। तो पहले माथा टेकेंगे देन उसके बाद मेला घूमेंगे। ये लोग अरे ये क्या था, ये इतने जोर से हाँ क्या था, जोर लगा ली अरे वाह मस्त पैर छू ले। क्या पहल क्या कह रही है, है? पहली बार मैं कह रही यहाँ से ले ले पहल 100 के 3 वैरायटी मिलेगी 100 रुपीज में। मासी मारी चूड़ी लेगी, बंगड़ी चूड़ी। गाइस ये डब्बा ना करंट वाला भी रिद्धि से खुलवा दो। पहल इधर आ देख, ये अच्छा है, ये ले जाडो, ये जाडो खिलो यही बुला के, यही बुला के वो सोचेगा ली था के ले जा रहे हो तुम। ये देखो ये अच्छा है, इधर इधर रख के, इधर रख के, इधर रख के, ये देखो ये देखो ये वो खोल के देखो, खोल के देखो भाई। ये रिद्धि और पहल झूल रहे आइसक्रीम खाते खाते धीरे धीरे, हम कह रहे थे उस वाले में बैठ जाओ रोने लगे के नहीं बैठ जाओगी, बुरा बहुत डरा है क्या बोला जाते। भी नहीं उससे हिल ही नहीं रहा, निकल जाएगा झुलाने में, बीच में बिठाना चाहिए था भैया उसको। भारी हो गया झूला, नहीं झूल रहा इससे, हिल नहीं रहा उससे, हिल नहीं रहा उससे। बच्चों बच्चों में तो हल्का होता पता भी नहीं चलता, थोड़ा बड़ा जाएगा ना तो लगता है पता। आजा भाई मैं तो डर जाऊंगी, मैं तो बैठूंगी भी नहीं से। आ, तो बहुत दूर देखो भाई पहल पेट में जी घूमी आए हम तो मेला, अब जा रहे हैं घर। हमने तो टिक्की पैक कराई है मम्मी के लिए और आइसक्रीम ली है, मेरे तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। और ये मम्मी के लिए भी पैक कराने थे गोलगप्पे, तो मेरे को हल्दीराम चलते हैं ना, हल्दीराम चली गई है पहल को लेके, उसको गोलगप्पे खाने थे वहाँ के, उसने खाए ही नहीं वो पानी, हमने टेस्ट करा अच्छा नहीं था, हमने कहा आके खा ले, कह रही नहीं तो आप कह रहे हल्दीराम ले जाओगे तो मासी से हल्दीराम लेके। मासी का फोन आया है कि तुम भी आ जाओ, आए नहीं अब तक पहली दिन एक्सपेंसिव उसको सारी चीजें वो महंगी है, बात सस्ते महंगी की नहीं है बात है, उसे बार पसंद नहीं आए। हमने पानी टेस्ट करा पहले, पानी में उसने सॉल्ट मिला रखी थी बहुत ज़्यादा, आगे जगह ही कहाँ है। अरे आज
ये गाड़ी स्कूटी मस्त की। गाइस तो अब हम आ चुके हैं हल्दीराम, अभी आए हैं जस्ट, और ये पूरा दिवाली का सामान आप देखो वहाँ। मुझे लग रहा है हल्दीराम के लिए पहले ही टूट पड़ चुकी है, इसको आप चिल्ला चिल्ला के देख रहे हो ना, ये देख लो ऐसे कैसे ऐसे गोलगप्पे जा रहे हैं अब हम लोग घर। हमने ना मम्मी के लिए भी पैक करा लिए गोलगप्पे यहाँ से हल्दीराम से, वहाँ पे पानी पसंद नहीं आया था हम लोगों को, मीठा इतना डाल रखा था पागल ने। कितना बोलोगे मतलब? हाँ तो बताना पड़ता है ना। इनफ क्या मतलब, मैंने अब मैं ये जैसे इसके बारे में बता रही हूँ कि मैंने गोलगप्पे लिए हैं, क्यों लिए हैं? मोस्टली तो हम बीकानेर या मतलब वहाँ से हम ले सकते थे या किसी और से, मेले में से क्यों नहीं ले, तो ये रीज़न था मेले में से नहीं लेने का रीज़न। तो वो पहले बता चुकी तो गिट्टी को भी बोल दूँ यहीं से। ओ धूम मचा ले, उतर और चल अंदर काम करा। क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? नो सॉरी, नो नो फोटो, नो फोटो, अंदर चलो और हेल्प। नो फोटो, नो फोटो, मुझे पता लग गया था तू ही आ रहा है, डरा दिया इसने मुझे। कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आ रही है। हाँ तुझे बुला रहे थे वो, ये कैमरामैन जो है ये पागल हो गया। आप पागल हो गए जो कैमरा में देख के बोल रहे हैं। तू अंदर चल जल्दी, मैं इधर आ रहा हूं थोड़ा। वो क्या आ रहे थे? खड़ा हो ले, अगर नहीं कुटापा उतरवाना तो। अरे मैं हो क्या रहे थे? देख ले भाई, काट लेगी 14 इंजेक्शन लगा रहा है, कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, इसको काटनी पड़ेगी। नहीं काटेगी तो मेरे को लगवाने पड़ेगी, मैं चला जाता हूँ। बता दे लगवाने हैं तो तूने दे मान के बता दे, मैं बुला लूंगी तेरे दोस्त को नीलू। गाइस हम लोग ना मंदिर से आके, मैं तो पढ़ाने बैठ गई थी ट्यूशन, फिर उसके बाद हम लोग काम में लग गए, उठ गए। अब हम ये थोड़ा सा ये सेट वगैरह करें, यहाँ पे बुक्स हैवी रहती थी हमारी, ये मम्मी ने हमारे लिए बुक्स के लिए ये स्टोरेज बैग मंगाए हैं ऐसे, इसमें चिपक जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छी क्वालिटी कबर्ड भी लाऊंगी, पर फिलहाल ये यूज कर लेते हैं। ये इसको हटा, नहीं नहीं ये इस बाहर निकलेगा, ये ऐसे सेट होएगा। नहीं इस निकालो तो। हाँ अरे मैंने इस रख लिया, क्योंकि ये इसका वो है प्लेटफॉर्म है। इसको रख इसमें बुक है, वो रख ऑर्डर वाइज, छोटी बड़ी बड़ी छोटी छोटी। मैं रखूँ, मैं बहुत अच्छी बुक्स लगाता हूँ। गाइस हमने सेट कर दिया, देखो यहाँ से ये वेलक्रो लगा हुआ है, ये ऐसे खुलेगा, और ये देखो ये ऐसे, और यहाँ पे ये खींचने वींचने के लिए भी है। अब इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, एक और आ जाएगा ना यहाँ पे। मम्मी यहाँ पे भी बिछाओ के थोड़ा सा देखना। नहीं ठीक है, बस इतना ही। इसका वो कहाँ है, एक और ठीक लग रहा है कहाँ है? ये देखो गाइस ये सही है, अब यहाँ पे मैसी भी लगेगा। हाँ इसका कर लिया हमने, मंदिर साफ करना था बहुत अच्छे तरीके से, मंदिर साफ कर लिया, सारी डस्टिंग वगैरह कर ली, खाना चाहिए, कुछ कपड़े गंदे पड़े थे बहुत बहुत ही है, ऑलमोस्ट हमारा आधा काम हो चुका है। बैठ गए हम लोग डिनर करने के लिए, और डिनर करने ही बैठ रहे थे तो मासी का फ़ोन आया था, बुलाया। चाचू आज ऑफिस टूर से गए थे बॉम्बे, कल गए थे तो आज वापस आए। चाचू कहीं भी जाते ना तो हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आते हैं, तो आज चाचू लेके आया अपना मुंबई जैसे वहाँ के पाव सॉफ्ट सॉफ्ट और पूरे वाइट वाइट होते ना, ये देखो वो है, ये फ्लफी है, और ये वड़ा कितना फ्लफी है देख रहे हो। और उसके साथ हमें मिला है मसाला, ये वाला गार्लिक मसाला जो होता है, और ये फ्राइड मिर्ची। फ्राइड तो लग भी नहीं रही उनके, मैं ऐसे ही करते हुए ना सही है।
तो हम लोग ये पहले असेंबल करते हैं, ठीक है। ग्रीन चटनी वगैरह नहीं है इसमें? नहीं थी ग्रीन चटनी, ये होगी। इससे ले लूं दही वाली से? नहीं फिर चिपक जाएगी ना, हाथ से डालने कुछ नहीं होता। ऊपर डालना है नीचे डालना है? दोनों साइड डाल ले, ऐसे नहीं बस ऊपर डाल रख दे। वहाँ के मसाले ऐसे होते हैं और लग ही नहीं रहा है कुछ मुंह में है भी मेरे, इतना सॉफ्ट बड़ा है, पाव इतना सॉफ्ट है। तो बेटा ये मेन मुंबई गार्लिक का ब्रेड है सारा, यहाँ तो एक स्ट्रीट फूड बना दिए ना, जो जहाँ मेन का है ना ये वहाँ से आया है। बहुत बढ़िया, बड़ा पाव के गढ़ से। बहुत बढ़िया चाचू, थैंक यू सो मच। बहुत गाइज डिनर कर लिया है हम लोगों ने आज, तो बड़ा लेट हो गया हमें, 11 बज गए डिनर करने में, 12 बज गए डिनर करने में। अभी नीलू बॉटल वगैरह भर रहा है, बॉटलें सारी खा ली होगी थी। बस अब सोएंगे, पैरों में दर्द हो रहा है मेरे तो। तो गाइज ज़रूर बताना आज का व्लॉग कैसा लगा, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे ज़रूर फॉलो करना। जो लोग नए आए हैं वो बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना, ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल के व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ फाल्गुनी ठाकर। गुड नाइट, बाय बाय।